हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 10 सबसे हॉरर मूवीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है द अमिटीवेल हॉरर। यह एक हॉरर मूवी है जो 1979 में रिलीज हुई थी। यह मूवी एक घर के डरावनी घटनाओं पर आधारित है जो एक परिवार के साथ होती है, जो अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुआ होता है। बाद में उन्हें डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। घर में भूत प्रेत और आत्माएं हैं जो उन्हें परेशान करती है। इस फिल्म की कुछ घटनाएं और दृश्य बहुत ही डरावने हैं, जो दर्शकों को डराने के लिए काफ़ी है। अमिटीवेल हॉरर एक क्लासिक मूवी है जो अब भी अपने डरावने माहौल और थ्रिलिंग कहानी के लिए फेमस है। नंबर नाइन पर है द एग्जॉर्सिस्ट मूवी। यह एक डरावनी हॉलीवुड मूवी है जो 1973 में रिलीज हुई है। इस मूवी की कहानी एक लड़की रीगन के मेडिकल और भूत प्रेत पर टर्निंग। एक जापानी हॉरर क्लासिक मूवी है जो दर्शकों को एक नए भय से परिचित करवाती है। इस फिल्म में एक विलक्षण कथा है जो एक भयानक और रहस्यमय विचार पर आधारित है। कहानी एक रहस्यमय वीडियो टेप के चारों ओर घूमती है और देखने वालों को 7 दिन के भीतर मारने की धमकी देती है। जिन लोगों ने इस टेप को देखा है उन्हें एक विशेष कल का फोन आता है, उनके द्वारा देखे गए रहस्यमय वीडियो की जानकारी देता है। कहानी का मुख्य किरदार रेक्सा इस रहस्य को सुलझाने के काम में लग जाती है। वह जानती है कि यह वीडियो उसी भूत बच्ची का है जिसने उसकी बेटी को मार दिया है। यह फिल्म दर्शकों को एक नए प्रकार से भय का सामना करवाती है जिसमें आत्मा की रहस्यमय दुनिया की बात होती है। उसकी वास्तविकता को डरावने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जो दर्शकों को गहरी सोच में डाल देती है। नंबर 6 ईट मूवी। ईट नामक मूवी जिमी वेवर द्वारा निर्मित एक डरावनी मूवी है। यह कहानी एक खाने के द्वारा विचित्र हत्या की चारित्रिक कथन की चारों ओर घूमती है। फिल्म में एक अज्ञात रेस्टोरेंट के बारे में है जहां खाने का समर्थन करने के बाद लोग अजीब और डरावने हालातों में अपने लिए एक स्वतंत्र भ्रमण प्राप्त करते हैं। जेमी वेबर के अद्वितीय दिशा निर्देशन और विशेष प्रभावों की हेल्प से ईट एक ब्लाइंड हॉरर का माहौल बनाता है जो दर्शकों को दर्शाता है कि किस तरह भोजन का स्वाद और दरार एक साथ हो सकती है। यह फिल्म खाने को इंस्पिरेशन और हॉरर कहानी से जोड़ता है और दर्शकों को एक यूनिक और वियर्ड अनुभव प्रदान करता है। नंबर फोर पर है अन्नाबाल। यह एक डरावनी हॉरर मूवी है जो 2014 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म द कंजूरिंग फिल्म की सीक्वल है और इसमें एक पुरानी गुड़िया की आवास में घटित घटनाओं की कहानी के चारों ओर है। यह गुड़िया अद्भुत और डरावनी घटनाओं के केंद्र में है जो एक युवा जोड़े की लाइफ को अपोजिट इफेक्ट डालती है। फिल्म में डरावने सीन्स, अद्भुत ग्राफिक्स और थ्रिलिंग स्टोरी है जो दर्शकों को अपनी सीटों पर बांध कर रखती है। अन्नाबेल ने दर्शकों को अपनी साहसिकता और डरावनी तस्वीरों से प्रभावित किया है और हॉलीवुड में चर्चा का विषय बन गई है। नंबर थ्री पर है द कंजरिंग। यह एक डरावनी फिल्म है जो नंबर टू पर है द साइनिंग मूवी। यह एक हॉरर मूवी है जो 1980 में रिलीज हुई थी। स्टेनल क्यूब्रिक के निर्देशन में फिल्म का प्रत्येक सीन अत्यंत ध्यान से बनाया गया है जिसे दर्शकों को एक वास्तविक और द एग्जॉर्सिस्ट मूवी। यह दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है। यह एक हॉरर मूवी है जो 1973 में रिलीज हुई है और यह एक कल्चरल क्लासिक मानी गई है। यह फिल्म विश्वसनीय और डरावनी कल्पना को व्यूवर्स के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है। इस फिल्म में एक छोटी बच्ची रेगन और उसके असाधारण और भयानक ताकत द्वारा प्रेरित होकर उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। जब वह अनूठे और डरावने ग्रस्त में होती है तो उसके माता पिता उसके बचाव के लिए एक पवित्र आध्यात्मिक विधि की मदद लेते हैं। द एग्जॉर्सिस्ट का डायलॉग, एक्टिंग, उसकी स्थिति को और भी डरावना बनाते हैं। यह फिल्म धारावाहिक से प्रेरित है और धारात्मक विषय पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें भूत प्रेत, धार्मिक मान्यता और आत्मसंयम के मामले शामिल है। फिल्म की कहानी, प्रभावशाली छवियां आज भी दर्शकों को भयभीत करने की क्षमता रखती है और इसे हॉलीवुड की सबसे खतरनाक फिल्म भी माना जाता है। खतरनाक का मतलब खतरनाक से नहीं, डरावनी से। इसे देखते समय लोगों की रूह कांप जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।